हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट ईयर रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है लास्ट डे। एंड आज के दिन जो है ना गाइस, हम लोग कर लेंगे न्यू सर्वर स्टार्ट। एंड मुझे नहीं पता वो न्यू सर्वर कौन है, आप लोगों को तो बाद में ही पता चलेगा। बट अभी हम लोग पिछले दिन बहुत बड़ा बेस रेड मार के आए थे। एंड यहाँ पे मेरे को एक बेस दिखा जो कि काफी ज्यादा छोटा है, बट पूरे का पूरा स्टील का है। एंड उसके बाद मेरे को पता नहीं यहाँ पे कोई बेस वगैरह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट मेरे पास कुछ बजूका के सेल्स थे। और मैं जो है ना गाइस, यहाँ पे डायरेक्ट बजूका के सेल स्पैम करने लगा। अभी अपने को बॉम्ब्स की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैंने डिसाइड करा जितने भी बॉम्ब अपने पास है मैं सारे के सारे बॉम्ब्स इस बेस में लगा दूंगा। एक डोर तो टूट चुका है, अभी कुछ डोर्स और है तो फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं भाई। ओके, तो भाई यहाँ पे एक और स्टील का डोर है। मैं चाहता था यहाँ पे से जा सकता था, फिर मैंने डिसाइड करा चलो यार अपने पास बॉम्ब की कमी नहीं है तो हम लोग डोर टू डोर चलते हैं। तो भाई यहाँ पे तोड़ते ही मुझे यहाँ पे ऑटो कैनन दिखा। एंड मैं जो है ना गाइस, एवी जहाँ मन करा वहाँ बजूका के सेल मारने लगा, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। मुझे जो है ना, सबसे पहले तो ये रॉकेट सेल ऑटो कैनन में मारना था। सबसे पहले हम लोगों को ऑटो कैनन तोड़ना था, बट यहाँ पे जो है ना भाई, वो डोर तो टूट चुका है बट ऑटो कैनन नहीं टूटा। भाई ठीक है, इस ऑटो कैनन को देखते हैं, बट यहाँ पे ये डोर तोड़ो। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे डोर तो टूट चुका है बट डोर नहीं टूटा। कुछ शॉटगन ट्रैप्स वगैरह टूटी हैं। एंड मेरे पास सेल कितने? ओके गाइस, अपने सारे के सारे सेल्स खत्म हो चुके हैं। अब मुझे जो है ना यहाँ पे ओनली बॉम्ब लगाना पड़ेगा, बट मेरे पास एक ग्रेनेड लॉन्चर का इस टाइटेनियम वाला सेल है तो उसको मार के देखता हूँ। बट उससे भी गाइस कुछ खास डैमेज नहीं गया। अब तो यहाँ पे अपने पास जो हैंडमेड C4 से वही लगाना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, हम लोग फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं आराम से। चलो भाई, ऑटो कैनन काफी गंदा मार रहा है, तो मुझे लगता है मेरे को पहले ऑटो कैनन को उड़ाना पड़ेगा। सो ऑटो कैनन में भी हम जो है ना C4 लगाएंगे। तो लेट्स गो, पहले जो है ना मैं अपने आप को पूरे का पूरा हील अप करता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग ऑटो कैनन में लगाना पड़ेगा गाइस। बिना ऑटो कैनन में लगा के तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे गाइस, ये ऑटो कैनन जो है ना बहुत गंदा डैमेज दे रहा था। C4 लगाने का ट्राई किया बट वहाँ पे C4 लगा नहीं, तो दोबारा से गाइस मैं यहाँ पे आया, क्योंकि पिछले जगह मैंने बैग लगाया था, यहाँ पे लगाना भूल गया था। बट इस बार ही ना मैंने यहाँ पे लगाया हुआ बैग। ओके, ऑटो कैनन में लगा C4, बट यार उम्मीद से ज्यादा C4 मैंने यहाँ पे लगा दिया, लगभग 3। तो अभी मेरे पास यार C4 सारे के सारे खत्म हो चुके, तो मुझे जो है ना ओनली हैंडमेड स्पीकर यूज करना पड़ेगा। अरे भाई, ये गलत चीज है गाइस, ये टूटता भी नहीं है बॉम्ब से। एंड अंदर जो है ना यहाँ पे ऑटोमेटिक राइफल है और ऑटो कैनन है। ये ऑटोमेटिक राइफल तो मेरे ऊपर ग्लिच हो चुकी है, आई थिंक इसका बुलेट्स खत्म। ओके हाँ, बुलेट्स खत्म हो चुका है ऑटोमेटिक राइफल का, बट ये बहुत गंदा डैमेज दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना इसको तोड़ने का ट्राई करता हूँ। वैसे ये गन से तो नहीं टूटता, मैंने डिसाइड करा चलो है यहाँ पे हम लोग हैंडमेड्स लगा के देखते हैं। लेट्स सी ये टूटता या नहीं टूटता। भाई इससे भी कोई डैमेज नहीं आया, बट अंदर कुछ बॉक्सेस हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली इस बॉक्सेस से तो अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा, बट ऑटो कैनन में यार बुलेट्स हैं। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे ऑटो कैनन तोड़ना है। एंड देखते हैं गाइस ऑटो कैनन किस तरीके से तोड़ेगा। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं भाई, चारकोल बनाने रखा हुआ है बंदे ने। तो डेफिनेटली गाइस बेस के अंदर सल्फर तो 101% होगा, बट अंदर जाने के लिए मेरे को ऑटो कैनन उड़ाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे जो है ना हैंडमेड्स लगाते हैं, लेट्स सी टूटता या नहीं टूटता, देखे जाएगी। भाई बहुत गंदा मारा है, दो हैंडमेड्स लगे, आई थिंक इतने में टूट जाएगा। नहीं टूटा, और लगाने पड़ेंगे। भाई यार पहले तू आराम से मार ही ले मेरे को। चलो यहाँ पे से चलते हैं, यहाँ पे लगा देंगे, मे भी डैमेज तो जाएगा। तो अभी गाइस मैंने उम्मीद से ज्यादा लगा दी, कम से कम 4 हैंडमेड्स, आई थिंक टूट गया होगा। ओके सो यहाँ पे सारी की सारी ऑटो कैनन टूट चुकी है, तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं एंड आराम से सामान उठाते हैं। बॉम्ब दिखे बट मेरे को ऊपर से यार ये डैमेज दे रहा है, तो मुझे सबसे पहले हील करना पड़ेगा अपने को, फिर हम लोग जाएंगे अंदर सामान उठाने के लिए। तो यार चलो लेट्स गो, आराम से सामान उठाते हैं। बट यार सामान उठाने से पहले ये मारने लग रहा है, भाई क्या करूं मैं, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है गाइस। ये टूटता भी नहीं है ऑयल ड्रम से। एंड मेरे पास यार इतने बॉम्ब नहीं है कि मैं यहाँ पे इनकी स्टील की वॉल तोड़ सकूं, क्योंकि मुझे पता है कैबिनेट जो है ना इसी के अंदर है उसका। अरे भाई यहाँ पे
वर्कबेंच भी टूट चुका है, अगर वर्कबेंच रहता तो मैं डेफिनेटली हैंडमेड्स बना लेता, आई मीन C4 भी बना लेता, बट यहाँ पे वर्कबेंच नहीं है तो मेरे को यहाँ पे से इसके बॉम्ब उठाने पड़ेंगे। भाई ठीक है चलो, कोने में रह के ये इतना डैमेज नहीं दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे से इजिली सामान उठा लेंगे। भाई एक दो डैमेज दे रहा है, चलो ठीक है। कुछ टाइटेनियम मिला वो भी मुझे उठाना है, एंड कुछ सल्फर है, सल्फर तो गाइस अभी जरूरत नहीं है मुझे, जो है ना ओनली चारकोल जीपी एंड एक्सप्लोजिव की जरूरत है और मेल्टेड सल्फर। तो यार यहाँ पे से मैं बाहर निकला एंड मैंने रिपोर्ट चेकआउट करा, रिपोर्ट में तो कोई है नहीं, और मैं जैसे जा रहा था ना मैंने कहा चलो यार जाने से पहले एक बार ही मैं दोबारा से चेकआउट कर लेता हूँ, क्या पता कुछ सामान वगैरह छूटा हो। तो मैं यहाँ पे पहुंचा एंड यहाँ पे जो है ना गाइस मेरे को सल्फर चारकोल जीपी एंड कुछ एक्सप्लोजिव दिखा। मैंने कहा भाई मेन सामान तो मैं यहाँ पे छोड़ चुका हूँ एंड मेन सामान मेरे को उठाना है, लेट्स सी देखते हैं गाइस मैं उठा पाता हूँ या नहीं उठा पाता। बट ये जो है ना फ्लेम थ्रोअर गाइस लिटरली इसने मेरा इतना ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया है, मैं सामान उठाने जाता, सामान उठाता तब तक फ्लेम थ्रोअर जो है ना आग से मेरे को झुलसा देता एंड वैसे ही मैं वहाँ पे से भागता। फिर मन करता भाई लूट है, लूट तो चाहिए अपने को। तो चलो गाइस एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं हम लोग निकाल पाते तो ठीक है, नहीं निकाल पाते तो हम लोग यहाँ पे से छोड़ के चले जाएंगे। फिर भी मैं मरने तक ट्राई करूंगा कि मैं वो सामान लेके आऊँ। आराम से जला ले भैया तू, अब हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो बैंडेज लगाना पड़ेगा। ठीक है तो लगभग गाइस मैंने सारा का सारा सामान तो उठा लिया है, बट मेरे को थोड़ा सा अपना बैकपैक खाली करना पड़ेगा जीपी सल्फर उठाने के लिए। तो यार ये बैंडेजेस है, बैंडेजेस लगा के फटाफट से अपना हेल्थ फुल करता हूँ, फिर हम लोग सामान उठाएंगे। भाई यार हेल्थ फुल करता उतना ये डैमेज दे देता। ठीक है आराम से, चलो गाइस सारा का सारा मैंने सल्फर चारकोल जीपी वगैरह तो उठा लिया है एंड अभी ऐसे करते चलते हैं। बट यार एक बार ही जाने से पहले जो है ना मैं यहाँ पे C4 बनाने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं बनते या नहीं बनते। तो छोड़ो गाइस ऐसे करते हैं ना, निकलते हैं। बट यार एक बार ही दोबारा चेकआउट कर लेता हूँ, C4 बनाने का ट्राई करूंगा, क्या पता अंदर होगा इसका वर्क बेंच एंड मुझे तो लगता है जो है ना वर्क बेंच इसका टूट चुका है, बट एक बार भी ट्राई करते हैं ना। यहाँ पे कोई वर्क बेंच नहीं है तो चलो गाइस अभी हम लोग फटाफट से निकलते हैं सीधा अपने बेस में एंड उसके बाद जो है ना अपने टीममेट यहाँ पे ऑनलाइन आ चुके थे तो हम लोगों ने डिसाइड करा, मैंने अपने टीममेट से पूछा यहाँ पे तुमने बेस वगैरह देखे हैं कहीं कोने काने में बेस होगा, तो हम लोग रेड मार के निकलते हैं क्योंकि अभी अपने पास बॉम्ब वगैरह बचा हुआ है। तो ओके गाइस यहाँ पे मैं अपने बेस पहुँच चुका हूँ एंड आप लोग देख सकते हो तुम्हारे भाई का बेस क्या ही गजब का लग रहा है। एंड कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम कैसा बेस चाहिए, वैसी बेस बनाए जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बनाया था, काफ़ी बड़ा बेस जो कि दिखने में भी काफ़ी प्यारा हो एंड मज़ा आना चाहिए, मतलब एकदम विला टाइप में। तो देखते हैं गाइस हम लोग इस बार ही ट्राई करेंगे विला टाइप में बनाने का, लेट्स सी। और यार सल्फर चारकोल तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, ऐसे करते हैं जितना भी अपने पास चारकोल एंड सल्फर है उसको मैं फटाक से यार जीपी बनाऊंगा, एक्सप्लोजिव बनाऊंगा एंड C4 बना के फिर हम लोग अपने टीममेट से बोलूंगा कि तुम कोने काने में जाके बेस वगैरह देखो, अगर मिलता है तो रेड मार देंगे। तो फिर क्या आता है गाइस मेरे को जितने पॉइंट्स वगैरह मिले मैंने सारे के सारे यहाँ पे अपने कैबिनेट्स में डाले एंड लगभग अपने पास 1000 पॉइंट्स होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है फिर भी चलो यहाँ पे से मैं जो है ना सारा का सारा सल्फर उठाता हूँ, उसका जीपी बना के बॉम्ब बनाता हूँ। तो यार अभी जो है ना यहाँ पे लगभग बॉम्ब वगैरह जीपी बन रहा है एंड फटाफट से जो है ना एक्सप्लोजिव बनाते हैं ना। तो लगभग यार एक्सप्लोजिव भी बनके रेडी हो चुका है, कुछ जीपी अपने पास उसका भी बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने कुछ हैंडमेड्स बनाए एंड C4 के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं थे तो मैंने डिसाइड करा चलो हम लोग फटाफट से यहाँ पे अपना ड्राफ्टिंग टेबल प्लेस करते हैं एंड बजूका का सेल लर्न करते हैं जो कि एक है मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी तक बजूका का सेल लर्न नहीं किया है तो थोड़ा सा यार एक्सप्लोजिव था, मैंने ही डिसाइड करा चलो हम लोग इनका ना बजूका का सेल बनाएंगे। ओके मेरा वर्कबेंच ड्राफ्टिंग टेबल बन के लगभग रेडी है तो फटाफट से मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ एंड फटाक से जो है ना गाइस हम लोग बजूका का सेल, अरे भाई किधर गया, आई थिंक बजूका के अंदर है। ओके सो इससे मैं फटाफट से निकालता हूँ एंड फटाक से जो है ना बजूका का सेल लर्न करते हैं। तो भाई यहाँ पे बजूका का सेल लर्न होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक यहाँ पे अपने दूसरे सब्सक्राइबर भाई भी ऑनलाइन आ चुके हैं एंड अभी जो है ना गाइस उनको भी लेके चलेंगे अपन लोग साथ में रेड करने के लिए। भाई इस बंदे का बेस नहीं मिला मेरे को, इसके पास लगभग 5 पॉइंट है
पता नहीं इस बंदे ने कौन सी कोने में बेस बना के रखा हुआ है। अगर मिलता तो यार डेफिनेटली अब इसका रेड मार देता, बट क्या करें मिल ही नहीं रहा है। तो गाइज अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है और बेसेस वगैरह ढूंढने का, तो मैंने अपने टीममेट से पूछा भाई तुम्हें बेस वगैरह पता है तो बताओ चलते हैं। तो अपने टीममेट ने बोला भाई एक एक्सिले के साइड में बेस है। मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं ना उसी को रेड मारते हैं, फटाफट से मैं अपने के लिए बजूका के सेल्स वगैरह बनाता हूँ एंड चलो इस बार ही सारे के सारे बॉम्ब्स जो है ना मैं इनको दे दूंगा। वैसे इनके पास भी परमिशन थी, अगर इनका मत करता तो कर सकते थे रेड एंड मना तो करता नहीं हूँ मैं किसी को। तो चलिए गाइज ओके टीम पे ले लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे कुछ पाइप्स चाहिए थे तो मैंने यहाँ पे फटाफट से पाइप्स बनाए एंड उसके बाद जितना भी अपना एक्सप्लोजिव बचा हुआ है उसको भी हम लोग रॉकेट सेल्स बना लेंगे। आई थिंक एक सेल और बनेगा। तो ठीक है गाइस अपने सारे के सारे बॉम्ब्स क्राफ्ट होने वाले, हुए नहीं है क्राफ्टिंग में लगे हुए। तो चलिए हम लोग फटाफट से चलते हैं सीधा एक्सिलिया में एंड हैली है अपने पास, तो हैली की लिमिट तो दो ही है। तो मैं ऐसे ही करूंगा ना जब हम एक्सिलिया में पहुंचेंगे जो भाई अपने बेस में तो उनको अपन लोग फटाफट से बैग दे लेंगे। तो भाई निकलते हैं फटाफट से, आई एम सुपर डुपर रेडी, मजा आएगा। चलिए भाई देख लो अभी भी तुम्हारे भाई के पास इतने बॉम्ब है, बाकी जितने भी हैंडमेड C4 थे वो मैंने अपने सब्सक्राइबर को दे दिए जो कि गाड़ी में बैठे हुए। तो चलिए गाइज अभी जो है ना हम लोग फटाफट से चलते हैं। तो ये हैंडमेड्स भी देता हूँ एंड एक बजूका भी दे दिया मैंने, बजूका के कुछ सेल्स भी हम लोग इनको दे देंगे। चलो गाइज अभी चलते हैं। फ्यूल लगभग ठीक है, 800 फ्यूल अपने हैली में है, 800 फ्यूल मेरे बैकपैक में है एंड फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पर से बेस ढूंढने के लिए। वैसे अपने सब्सक्राइबर ने बताया है कि एक एक्सिले के साइड में, तो चलो फटाफट से ऐसे करते हैं ना उधर ही चलते हैं एंड वहाँ पे रेड मारेंगे। एंड मैं उस लोकेशन में पहुँच तो चुका हूँ जहाँ पे अपने सब्सक्राइबर भाई ने बताया था कि बेस है। ठीक है वो दिखा तो सही है बट मुझे कुछ गड़बड़ से लग रहा है, बट लेट्स सी गाइस चलते हैं अंदर एंड इनको रेड मारने देते हैं। तो इस बार ही गाइस मैं बिल्कुल भी बॉम्ब नहीं लगाने वाला, कुछ बॉम्ब बेस मैंने रेड मारे थे, कुछ यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर भाई ने भी मारे थे रेड जब मैं नहीं था एंड कुछ मैडमैक्स भाई ने मारे। तो अभी जितने भी बेस मिलेंगे वो सारे के सारे ये भाई लोग मारेंगे। ठीक है तो मैं फटाफट से बैक बनाता हूँ, बैक प्लेस करूँगा एंड जो सब्सक्राइबर भाई अपना बेस में बैग जो है ना गैस उनको दे देंगे। बट मेरा बैग पैक का लिमिट जो है ना गैस ऑलरेडी फुल था, तो मैं बैग प्लेस कर रहा था प्लेस नहीं हो रहा था। सो मेरे पास जो टीममेट मेरे साथ में अभी, तो मैंने उनसे बोला फटाफट से यहाँ पे बैग प्लेस करो एंड वो भाई को बैग दे दो। तो उन्होंने सुन लिया था, दे भी दिया था एंड अभी जो है ना गैस ये भाई तो ऑलरेडी रेड करना स्टार्ट। चलो ठीक है यार हम भी मजे करते हैं, थोड़ा सा एक्सेल हम भी मारें। नहीं हम नहीं मारते ना आज, इनको मारने दो। तो भाई यहाँ पे बैकपैक दिया मैंने उनको, आई थिंक ये दे देंगे। रिपोर्ट में तो कोई भी शो नहीं है, पेड़ निकल रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है भाई ये बॉट बेस है। बट लेट्स सी, अपने सब्सक्राइबर भाई बोल रहे थे कि भाई वो बेस है तो मारने दो भैया रेड। ले मैंने भी एक बजूका का सेल मार दिया, 15 एक्सप्लोजिव वाला। तो यहाँ पे इन भाई के पास सिंपल वाले रॉकेट सेल थे, तो ये भाई जो है ना सिंपल वाले रॉकेट सेल से मार रहे हैं। Follow me. तो मैंने कहा चलो यार मैं भी बजूका के सेल मारता हूं, फिर मैंने कहा यार छोड़ो हम नहीं मारेगा। तो भैया मारो बजूका सेल, तोड़ो इस बेस को। वैसे भी बॉट का बेस है, बॉट गुस्सा नहीं होगा, बॉट बेस रेड मार रहे हैं। टूट गया। तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं, अब ये स्टोन का सेक्शन आ चुका है एंड बॉट बेस तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि इसका हेल्थ लगभग अभी फुल है। बट जो भी होगा गाइस यहाँ पे समय निकल चुका था, मैंने कहा अपने सब्सक्राइबर भाई से मुझे ये बॉट बेस लग रहा है, ऐसे करते चलते हैं। तो वो बोलने लगे नहीं भाई ऐसे करते ना रेड मार के चलते हैं, जब इतने बॉम्ब लगा दिए तो थोड़े से और लगा लेते हैं। मैंने कहा वो बात तो तुम ठीक बोल रहे हो, तो चलो भैया करो रेड। भाई सिंपल रॉकेट सेल्स मार रहे हैं, सिंपल रॉकेट सेल का तो ऑयल ड्रम से भी कम डैमेज आता है।
लेट्स सी गाइस, मैं अंदर जाके देखता हूँ कितना हेल्थ है इसका। चलो अंदर चलते हैं। भाई बॉट बेस है गाइस। उसके बाद जैसे मेरे को 100% श्योर हुआ कि बॉट बेस है, तो मैं यहाँ पर से तो निकल चुका था, बट अपना सब्सक्राइबर भाई फोकस था रेड मारने में, मतलब ही नहीं है बॉट बेस है। तो चलो ठीक है यार, इनके साथ थोड़ा सा हम लोग भी एंजॉय करते हैं। बट देखते हैं गाइस इस बॉट बेस के अंदर अपने को क्या मिलेगा। भाई क्या हो गया? अच्छा बल वीडियो ले लो भाई ढंग से। ठीक है भाई ढंग से वीडियो आ रही है। तो यहाँ पे गाइस अपने को टीसी वगैरह तो नहीं मिला, कुछ बॉक्सेस है, तो मैं यहाँ पे 100% श्योर हो गया था कि ये बॉट बेस ही है। तो मैंने कहा यार तुम टीसी तोड़ो, तब तक मैं यहाँ पे से हैली लेके निकलता हूँ बेस वगैरह देखने के लिए। वैसे मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इसमें इस वाले बॉट बेस में टीसी कहाँ पे रखा हुआ है, लगता है कहीं कोने काने में होगा। तो चलिए गाइस अपन लोग ऐसे करते हैं ना, फटाफट से निकलते हैं बेस वगैरह देखते हैं कहाँ पे, कहीं ना कहीं तो अपने को एक बेस तो 100% मिलेगा जरूर। भाई हैली किधर है? ये रहा। तो भाई वो तो तबाही मचाने में रेडी है। एंड उसके बाद जो है ना गाइस, मैं यहाँ पे से हैली लेके निकला दूसरे बेस के साइड में आई थिंक। ओके सो अपना हैली तो लगभग ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो भाई तुम मारो रेड, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो फाइनली गाइस जैसे मैं यहाँ पे से निकला एंड हम लोग यहाँ पे से घूमते घूमते डायरेक्ट पहुँचे क्रूडल के पास में, एंड लकीली वहाँ पे अपने को मिला एक आयरन का 2x2 का बेस। मैंने कहा जब हम लोगों ने सारे के सारे बेस रेड मार दिए तो भाई अब इसको कहीं को छोड़ना, तो मैंने डिसाइड करा चलो ठीक है इसको हम लोग रेड मारते हैं। एंड यहाँ पे से मैं उतरूंगा नीचे एंड हैली दूंगा इन भाई को। मैंने बोला कि फटाफट से वो भाई को भी ले गया, इस बेस को रेड मारो, इसके बाद तो है ना मैं तो ऑफलाइन चले जाऊंगा, बॉम्ब तुम ले लो एंड बेस वगैरह ढूंढो, अगर मिलता है तो कहीं भी रेड मार लेना, नहीं तो यार तुम भी ऑफलाइन चले जाना। तो ठीक है गाइस यहाँ पे मैंने हैली दिया एंड फाइनली वो भाई जो है ना उस भाई को भी लेके आ चुका है। तो चलिए गाइस फाइनली ये मेरी होने वाली इस सर्वर की लास्ट रेड। आई होप गाइस आप लोगों को ये सर्वर मज़ा आया होगा। डे वन से डे लास्ट तक यार मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आया, बट यार यहाँ पे जो है ना वो कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग आते हैं ना वो कैंपिंग वगैरह करते हैं, तो वो मेरे को मज़ा नहीं आता यार। मेरे को जस्ट घूमते फिरते ऐस करते हुए खेलो ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, बट कोई नहीं। तो चलो यार इसको हम लोग फटाफट से रेड करते हैं। एंड मुझे जो है ना इसका मेन एरिया ये लग रहा है, इधर ही किधर कहीं ना कहीं टीसी का मेन डोर जो है ना वो तो स्टील का है, तो मैंने अपने सब्सक्राइबर भाई से बोला यहाँ पे लगा पाऊँ। आई थिंक वो छत से करेगा, बट डबल छत है, मैंने कहा यहाँ पे लगाओ बम। तो ठीक है गाइज वो यहाँ पे लगाएंगे एंड हम लोग वेट करते हैं। भाई क्या कर रहा है? बॉम्ब लगाना भाई। ठीक है लगा रहा है लगा रहा है। चलो एक बाजूका का सेल मैं भी मारता हूँ। चलो एक और आई थिंक टूटेगा। ओके सो जैसा मैंने बोला था वही वा एंड टीसी देखो यहाँ पे। ठीक है गाइस फटाफट से इसका टीसी तोड़ते हैं एंड देखते हैं। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी मिलेगा, बट लेट्स सी देख लेते हैं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ज़रूर। स्टोरेज बॉक्सेस हैं, स्टोरेज बॉक्सेस हैं तो 100% कुछ ना कुछ तो होगा। स्टोरेज बॉक्सेस हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो है ना इसका टीसी उड़ाते हैं। मैं तो सोच रहा था यहाँ पे बाज़ूका का सेल मारूं, बट कोई नहीं चलो गन से ही तोड़ लेते हैं। तो ओके गाइस यहाँ पे ये टीसी टूटा, फटाफट से अपना टीसी प्लेस करते हैं एंड बूम बम तरीके से इस बेस को हम लोग तोड़ते हैं। और फाइनली गाइस अब न्यू सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि हम लोग डेफिनेटली काफ़ी जल्दी करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे टीसी वगैरह प्लेस करते हैं एंड इसको क्लियर करने के बाद फाइनली मेरा इस सर्वर में लास्ट डे लास्ट वीडियो। मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया, आई होप गाइज आप लोग न्यू सर्वर में भी इंजॉयमेंट करेंगे अपन लोग। तो तोड़ता हूँ इसको। फाइनली हिट लिस्ट 379 इज ओवर। तो फाइनली गाइज
गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप गाइस आप लोगों को ये सर्वर की वीडियोस देखने में मजा आया होगा एंड मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया। और मैं जल्दी एक नया सर्वर स्टार्ट करूंगा एंड आप लोगों को वो पता ही चल जाएगा, मेरे छुपाने से कितना भी छुपा लूं गाइस वो छुपता तो है नहीं। आप लोग इतना बोलते हो तो कहीं ना कहीं पे मैं बता ही देता हूँ सर्वर। बट गाइस मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सर्वर्स में आते हैं, खेलना है तो अपना खेलो। बट यार जो कैंप करता है ना, मतलब मैं ऑनलाइन आऊँगा फटाफट से मेरे बेस के आगे बेस बना लिया, वो बेकार लगता है। खेलना है खेलो, बेस बनाओ, कहीं फाइट मिलते हैं, ड्रॉप में फाइट होता है तो वहाँ पे मजा आएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने सब्सक्राइबर को बम दिया, मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ यहाँ पे से ऑफलाइन। तो चलिए गाइस मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।